हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज के जो टॉपिक है मेरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से मैंने अपना वेट कम किया, देन उसके बाद मैं उसे स्टे रखती हूँ हमेशा, मतलब कि एक लेवल में रखती हूँ कि वो कभी बढ़े ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे डाइट प्लान दीजिए, मुझे एक्सरसाइज बताइए, लेकिन सही बताइए कि उनमें से कितने लोग उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं या फिर एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं। सच सच बताइए, हाथ खड़ा करिए कि कितने लोग उसे दिल से फॉलो करते हैं। आई थिंक 20% लोग ही फॉलो करते होंगे हमेशा। मैं हमेशा की बात कर रही हूँ। एक जोश के साथ तो आप 10 दिन उसे जरूर करते हैं, लेकिन 11वें दिन आप भी कहीं ना कहीं आके बहुत परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए इन सारी प्रॉब्लमों का सलूशन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यानी उन सारे प्रॉब्लम का सलूशन आज मैंने आपके लिए निकाला है, यानी कि जिसे मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा उस चीज को कंटिन्यू रखना नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से मैं कभी कभी नहीं ये सब फॉलो कर पाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने इसका जो है बहुत अच्छा सा तोड़ निकाला है कि किस तरह से आप अपना वेट बहुत अच्छे से मैनेज करो और बहुत हेल्दियर वे में करो। तो इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसे ध्यान रखिएगा और मैं भी आगे आपको बताऊंगी। सबसे सीधा सा फंडा ये होता है कि हम जो है कैलोरीज कम लें और वर्कआउट ज्यादा करें। इस तरह से जो उसका सीधा सा फंडा ये होता है कि हम अपनी बॉडी को जो कैलोरीज कम लें और वर्कआउट ज्यादा करें। सो हमें कैलोरीज कहाँ मिलती है? कैलोरीज हमें फूड के लिए मिलती हैं, और फूड हम कब खाते हैं? जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी दो तरह की होती है। हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, और एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है? एक तो कार्ब से, और दूसरा हमें मिलती है फैट से। और जो कार्ब होता है वो इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी के लिए। मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं भी फैट है, और मैं मान के चलती हूँ बैली फैट है, तो हमारी बॉडी उस बैली फैट को क्यों नहीं, जब हम भूखे होते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो हमारे बॉडी के पार्ट से क्यों नहीं फैट लेती है? क्योंकि हमने अपने माइंड को उस तरह से सेट रखा है कि वो जो है इंस्टेंट एनर्जी ले, ना कि हमारी बॉडी के फैट की। अगर बॉडी के हमारे दिमाग को ये पता चल जाए कि हमें अपनी बॉडी के ही पार्ट से फैट के रूप में एनर्जी लेनी है, जिससे क्या होगा, हम स्लिम होने लगेंगे, हमारे बैली फैट जो है वो वहां से गलने लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से सेट होगा और वो हमारी बॉडी का ही पार्ट लेके उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा, जो भी फैट है। और जब फैट बर्न होगा तो जिसकी वजह से हमारा जो है वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ और ये सब कैसे पॉसिबल है। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है जब हम खाना खाते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो खाना जाके कन्वर्ट होता है इंसुलिन में, और इंसुलिन कन्वर्ट करके उसको ग्लूकोज में हमारी बॉडी को पूरे सेल्स में भेजती है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके, और जो बच जाता है उसको फैट के रूप में जाके स्टोर कर देती है, तो वही हमारा वजन जो है जिसकी वजह से बढ़ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी है उतना वो हानिकारक भी है, यानी हमारे वेट को बढ़ाने में उसका बहुत ही अहम रोल है, और जब भी इंसुलिन लेवल हाई रहेगा हम कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का वेट लॉस का पूरा मेथड है वो सब कुछ इसी पे निर्भर है कि आपको अपना इंसुलिन लेवल कम रखना है, लेकिन किस तरह से रखना है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, यानी मैं अब शुरू करने जा रही हूँ कि किस तरह से आपको आपका इंसुलिन लेवल वो नीचे रखना है। यानी कि इंसुलिन की हाई, जब इंसुलिन हाई होगा तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं करोगे। तो आज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से इंसुलिन को आपको लो रखना है और आपको वेट लॉस करना है। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें खाने की मील छोटी छोटी 4-5 लेनी चाहिए। 4-5 मील लेने से क्या होगा कि जब आप खाना खाओगे आपका इंसुलिन लेवल हाई हो जाएगा, देन जब आप 2 घंटे के लिए रुकोगे इंसुलिन लेवल नीचे आ जाएगा, जैसे ही आपने 2 घंटे बाद खाया इंसुलिन लेवल ऊपर चला गया, फिर जैसे ही आपने नहीं खाया इंसुलिन लेवल नीचे आ गया। तो क्या हो रहा है कि इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन लेवल ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो करना है फास्टिंग।
यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हम फास्टिंग करना है, कुछ टाइम के लिए फास्टिंग करना है, और उस फास्टिंग के पीरियड में आप नारियल पानी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, विदाउट शुगर ले सकते हो, चाय विदाउट शुगर आप ले सकते हो, यानी पानी खूब क्वांटिटी में आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा पानी आपको पीना है उस चीज में। लेकिन इस फास्टिंग को करना कैसे है, इस फास्टिंग को मान लीजिए रात में, मैं अभी बता रही हूँ कि जिनको वेट मैनेज करना है, मान लीजिए रात में आपने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद आपने सुबह फिर सुबह 8 बजे आके अपना ब्रेकफास्ट किया, तो आपने कितने घंटे की फास्टिंग की, आपने आई थिंक 12 घंटे की फास्टिंग की, 24 घंटे होते हैं जिसमें से 12 घंटे आपने फास्टिंग की। इससे क्या होगा, इससे जो आपका है वो वेट मैनेज होगा, घटेगा अभी भी नहीं, अभी आपका वेट मैनेज होगा। लेकिन वेट लॉस करना है उनको 16 घंटे फास्ट रखना है, 8 घंटा खाना है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट करते हो, जब तक आपको सुबह भूख न लगे, बहुत से लोगों की आदत होती है वो ब्रश करने से पहले कुछ नहीं खाते, तो कोशिश करिए ब्रश थोड़ा लेट में करिए, जब तक आप ब्रश नहीं कर रहे हो या सुबह का, मान लीजिए आपको 12 बजे तक भूख नहीं लगती है, तो आप 12 बजे तक मत खाओ, उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद खाना स्टार्ट करिए, 7-7:30 तक खाइए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर आप पूरा रात फास्टिंग करिए, और सुबह आके शाम को 7-7:30-8 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर दो। यानी कि अगर वेट लॉस करना है, मान लीजिए वो ये फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको 7-7:30 तक अपना जो डिनर है वो फिनिश करना है। तो इस तरह से कोई भी आप एक प्लान कर लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे 12 से 8 आप खाइए, उसके बाद रात में 8 बजे से सुबह 12 बजे तक आप फास्ट रखिए। इससे क्या होगा, आपका इंसुलिन लेवल नीचे रहेगा, और जो आपकी बॉडी है वो आपकी ही बॉडी के अंदर से फैट लेगा, और उसे जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो आपकी ही बॉडी में से फैट को निकालेगा और बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हमें बाहर से कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो अब हमें अपनी बॉडी से ही एनर्जी लेनी है, और वो किस रूप में लेगा, वो फैट के रूप में लेगा, और जब फैट के रूप में लेगा तब आपका वेट लॉस होगा, आप स्लिम दिखोगे। इससे क्या है, वेट भी लॉस होगा, इंच भी लॉस होगा। देखिए दो तरीके का होता है, आप जैसे बहुत से लोग से पूछते होंगे आपका वेट कितना है, 55 है, तब भी आप मोटे दिख रहे हो, क्योंकि आपका फैट लॉस नहीं हुआ है, यानी कि आपके इंचेस लॉस नहीं हुए हैं। तो ये जो फास्टिंग है वो आपके इंचेस को भी कम करता है, आपके बेली फैट को भी कम करता है, और ज्यादा अगर जैसे कुछ लोग मान लीजिए बहुत हैवी हैं, अबव 70-80, तो वो 6 आर की फास्टिंग करें, और फीस्टिंग का जो पीरियड रखें वो 18 घंटे का रखें, तो इससे क्या हो, और तेजी से होगा। और लेकिन एक चीज मैं जो बता रही हूँ कि जो 6 घंटे और 8 घंटे है उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भर भर के आपको जो है ऑयली खाना है और शुगर खाना है, जी नहीं, जो आज जो आप डाइट ले रहे हो ना वो आपको कम्प्लीटली फॉलो करनी है। जो भी डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हो आप लो, या फिर आप फास्टिंग में भी डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसमें चाय ले रहे हो तो विदाउट शुगर लेनी है, मीन्स जैसे आप डाइट प्लान अपना कंटिन्यू कर रहे हो वही करो, और जो भी पानी पी रहे हो वही करो। तो इस तरह से आपको ये मेथड अपनाना है, यानी कि आपको फास्ट रखना है, नॉट होल डे, एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे जिनको वेट मैनेज करना है वो 12 घंटे का रखें, जिनको वेट कम करना है वो 8 घंटे का, जिनको एक्सट्रीम वेट लॉस करना है वो 6 आर का जो है, यानी कि 18 घंटे का फास्टिंग रखें और फीस्टिंग पीरियड 6 घंटे का रखें। तो इस तरह से आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, ना ही आपको कोई मार्केट से सामान खरीदने की जरूरत है। ये आपकी आत्म इच्छा है या आपका आत्मबल है कि किस तरह से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप रात का पीरियड ज्यादा से ज्यादा रखिए, सुबह का जो पीरियड है उसे ज्यादा से ज्यादा आप निकालने की कोशिश करिए, 1 बजे तक निकालने की कोशिश करिए, देन उसके बाद खाना स्टार्ट करिए, 6-7 खाइए, देन उसके बाद फिर फास्टिंग के पीरियड में आ जाइए। ऐसा आप करिए कितने दिन तक, आप 1 वीक तक करके देखिए। अगर आपका 3-4 किलो तक वजन नहीं जाता है तो आप मेरा नाम चेंज कर सकते हैं, सुगम, आई थिंक बहुत अच्छा नाम है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप 1 वीक में 4-5 किलो वजन बहुत तेजी से लॉस कर सकते हो, अगर आप 18 घंटे का फास्टिंग लेके चलोगे। और आई थिंक आप में से अब बहुत से लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि बस जल्दी से ये वीडियो फिनिश करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं।
तो इससे क्या होगा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी ही बॉडी से फैट को लेके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी ही बॉडी को देगी, यानी कि उसे बाहर से जो है एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्ब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुझे जो है कीटो डाइट के बारे में बताइए, तो बहुत ही जल्दी मैं उसके बारे में भी आपसे बातें शेयर करने वाली हूँ कि कीटो डाइट आपको लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कीटो डाइट क्या है, किस तरह के डाइट प्लान्स उसमें होते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।